नमस्कार दोस्तों आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहा हूं हाउ टू फिल आईटीआर टू फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक सर बिकॉज आईटीआर टू का फॉर्म अपने आप में इतना बड़ा है कि आई हैव नो अदर ऑप्शन कि मैं उसके हर पार्ट का जब तक आपके साथ में एक सारगर्भित डिस्कशन नहीं कर लूं तब तक यह वीडियो बनाना अनजस्टिफाइड होगा तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आईटीआर टू फॉर्म के हर पोर्शन पर जहां पर मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जा सकता है मैं आपके सामने एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूं तो आइए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रखता हूं हु कैन फाइल आईटीआर टू आई टी आर टू कौन भर सकते हैं ओनली एन इंडिविजुअल और एच यूएफ ओनली एन इंडिविजुअल और एच यूएफ मे फाइल आईटीआर टू वेदर और नॉट यू आर अ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और मैं और सरल शब्दों में बोलूं सर तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो सर आई टी आर वन नहीं भर सकते वो आई टी आर टू भरने के लिए आएंगे साथ ही दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनके पास में एक से ज्यादा मकान संपत्ति है ऐसे व्यक्ति जिनकी एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार रुपए से अधिक की है ऐसे व्यक्ति जिनके पास में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है सेट ऑफ के लिए जिसे वो करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए भी आई टी आर टू ही एक उपयुक्त माध्यम होगा और देखिए सर फर्दर हु कैन फाइल आईटीआर टू इट कंटिन्यूज दैट पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल गैमलिंग एक्सेट्रा यानी जो व्यक्ति सर किसी प्रकार से लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल गैमलिंग की इनकम कमाए हुए हैं उन्हें भी अपनी उस इनकम को आईटीआर टू में ऑफर करना है आप ऐसी इनकम आईटीआर वन में नहीं दिखा सकते पर्सन विच आर हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैविंग एनी एसेट लोकेटेड आउट साइड इंडिया और हैविंग इनकम फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया यानी जिन्हें इंडिया से बाहर से कमाई होती है किसी प्रकार से या जिनके पास में इंडिया से बाहर किसी जगह साइनिंग अथॉरिटी के रूप में वो कॉम्पिटेंट है ऐसे सारे व्यक्तियों को भी सर आई टी आर टू भरना है ऐसे समस्त व्यक्ति सर जिनकी पचास लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है उनको भी सर आई टी आर टू भरना है और वो व्यक्ति सर जो कि डबल टैक्सेशन लीफ क्लेम कर रहे हैं मे बी अंडर सेक्शन 90, 90 ए नाइनटी यानी विदेश से कमाई गई इनकम पर आप डबल टैक्सेशन लीफ ले रहे हैं या इंडिया में कमाई इनकम पर आप डबल टैक्सेशन लीफ ले रहे हैं तो भी सर आईटीआर टू आपके लिए उपयुक्त फॉर्म होगा तो दोस्तों एक प्रश्न और आपके दिमाग में होना चाहिए कि हु कांट फाइल आईटीआर टू तो बेसिक चीज है सर एनी पर्सन हु इज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यदि आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन स्रोत से आए हैं आप इंडिविजुअल एच हैं तो आप आईटीआर टू नहीं भरेंगे फिर आपको आईटीआर थ्री या आईटीआर फोर भरना है इसी प्रकार दोस्तों वो सारे व्यक्ति जो आईटीआर वन भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए भी आईटीआर टू भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एक डिस्कशन मैंने आपके साथ में किया सर कि हु इज एलिजिबल और हु इज लाइबल टू फाइल आईटीआर अब दोस्तों यहां से आगे लेकर के बढ़ूंगा आपको कि आईटीआर का जो फिजिकल फॉर्मेट है मैं यहां पर फिजिकल फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि उसमें क्या क्या सूचनाएं है, मांगी हैं वो सूचनाएं है, हमें कैसे भरनी है आपको ऑनलाइन यूटरिटी में ये काम कैसे करना है उसकी वीडियो में अलग से बताऊंगा आपको लेकिन यहां पर मेरा डिस्कशन है कि फॉर्म में फिलिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आइए दोस्तों पार्ट ए से शुरू करता हूं जिसका टाइटल है जनरल इंफॉर्मेशन ये जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आप देखिए इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल एंड एच एफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन असेसमेंट ईयर 2021 हजार आपका पूरा नाम यानी फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपका पैन नंबर आपका एड्रेस का डिटेल सर आपको यहां पर फिलअप करना है साथ ही दोस्तों आप एज एन इंडिविजुअल रिटर्न भर रहे हैं या एज एन एच आप रिटर्न भर रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ या एच है तो एच के रूप में आपका फॉर्मेशन का डेट यहां लॉ मांग रहा है आधार नंबर आपको यहां पर फिलअप करना है एज एन इंडिविजुअल फर्दर आपका पिन कोड वगैरह यहां पर एड्रेस में आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर आप चाहें तो यहां पर दो मोबाइल नंबर भी सरकार को इंटीमेट कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों पार्ट वन अभी कंटिन्यू है इसी प्रकार जैसे आपने दो मोबाइल नंबर बोले आप यहां पर अपने ईमेल आईडी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हो सकता है ये ईमेल आईडी आपके उस ईमेल आईडी से अलग हो जो आपने ऑनलाइन फिलअप किया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है सर आप जो मेल आईडी देंगे वो भी एक तरीके से डिपार्टमेंट के डोमिन में इंफॉर्मेशन जा रही है संबड़ी में भी होल्डिंग टू थ्री मेल आई डीज ऑल्सो सो दे मे फिलअप दोज एक्स्ट्रा मेल आई डीज हेयर ऑल्सो आप कौन से सेक्शन में सर रिटर्न भर रहे हैं अगर आप टाइमली भर रहे हैं तो वन वन अगर आप टाइम लिमिट ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो वन अगर आप अपनी रिटर्न पहले से भर चुके हैं उसे रिवाइज कर रहे हैं तो वन 92 नाइन टू सी डी सर यहां पर ज्यादातर लागू नहीं होती और अगर आप बीलेटे रिटर्न भर रहे हैं विद डिले कंडोनेशन रिक्वेस्ट यानी ड्यू डेट निकल चुकी बीलेटे रिटर्न भरने की डेट भी निकल गई और आप उसके बाद रिटर्न भरेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन 119 क्लिक करना है कई बार सर आपके रिटर्न भरने के बाद में भी डिपार्टमेंट आपसे जब ये पर्टिकुलर सेक्शन में वन थर्टी में डिफेक्टिव रिटर्न में 142 में 148 में या सर्च के केस में रिटर्न मांगता है तब आपको बाद में ये सेक्शन भी टिक करके रिटर्न भरनी पड़ सकती है अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर ध्यान से सुनिएगा कि क्या आप 115 बीएसी का ऑप्शन ले रहे हैं क्या यानी क्या आप नई स्लैबरेट का ऑप्शन ले रहे हैं क्या यदि हां तो आपको यहां पर क्लिक करते हुए जाना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर अगर आपने यहां क्लिक नहीं किया yes टिक नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में सर आप नो में है आपको पुरानी स्लैबरेट जो चलती थी वो चलेगी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा दोस्तों क्या नई स्लैबरेट का बेनिफिट लेना है या ओल्ड बेनिफिट लेना है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके चार्टर अकाउंटेंट आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको हेल्प करेंगे ये चीज डिसाइड करने में मेरा यह सजेशन यहां पर जरूर काम करेगा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवेंथ प्रोइजो टू सबसेक्शन वन ऑफ वन थर्टी नाइन बट अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इफ येस टिक एक्चुअली सर ये सेवेंथ प्रोइजो जो सेक्शन वन थर्टी नाइन वन में आया उसमें तीन रिक्वायरमेंट की गई अगर इन तीन में से एक रिक्वायरमेंट में आप आ जाते हैं तो आप चाहे अदरवाइज रिटर्न भरने के लिए लाइबल नहीं है जैसे आप कहें भाटिया जी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बिलो एग्जाम्शन लिमिट है लेकिन सर आपका साल भर का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है एक्सीडिंग रूपीज वन लैख या आपने फॉरेन ट्रेवल पर खर्च कर दिया दो लाख से ज्यादा का तो आप कंपलसरली रिक्वायर्ड है रिटर्न भरने के लिए तो आपको यहां पर टिक करते हुए आगे बढ़ना अगर दोस्तों आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं जो आपने पहले से फाइल की है या डिफेक्टिव को करेक्ट कर रहे हैं या मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको पिछले रिटर्न का एक्नोलेजमेंट नंबर और डेट देना है और अगर आप इसी प्रकार से किसी नोटिस के रिस्पांस में रिटर्न भर रहे हैं सर तो आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जिससे आपसे यह सूचना मांगी गई है उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक नंबर आता है वो आपको यहां पर फिलअप करना है जो पहली बार सर स्वयं रिटर्न भर रहा है उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं भरनी उसको ये इंफॉर्मेशन भी भरने की कि कि किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों यहां अब आपके सामने पार्ट ए का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रखने जा रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस

पर्टिकुलरली जो व्यक्ति खुद को नॉन रेजिडेंट मानते हैं उनके लिए सर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मेरी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं हाँ अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है अब सर रेजिडेंट में भी एक टाइप है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और तीसरा नेचुरली नॉन रेजिडेंट अब रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सर दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यू आर इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन इन इंडिया फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इन फोर प्रेसिडिंग ईयर हालांकि दोस्तों ये बी कंडीशन उनके लिए लागू नहीं होती जो भारत छोड़ करके जाते हैं काम करने के पर्पजेस से इसी प्रकार से सर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट में दोनों में से अगर एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यूल बी ट्रीटेड टू वे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट दैट वन यू हैव बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन नाइन आउट ऑफ टेन प्रेसिडिंग ईयर और यू हैव बीन इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस ड्यूरिंग सेवन प्रीसीडिंग ईयर तो ऐसी परिस्थिति में आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माने अगर आप यह कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं तो सरकार ये कह रही जी आप कौन से जुरिजिक्शन में फिर रेजिडेंट थे और वहां का टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है वो भी आपको देना है एक और बात दोस्तों जो कि इंसर्ट हुई थी फाइनेंस एक्ट दो से वो क्या कि अगर आपका स्टे पीरियड इंडिया में वन डेज या मोर है और आप किसी और कंट्री के अंदर टैक्सेबल नहीं हो रहे और आप भारतीय मूल के हैं या आप इंडियन सिटीजन है तो भारत सरकार आपको ऐसी परिस्थिति में रेजिडेंट मानेगी प्रोवाइडेड आपकी अदरवाइज इंडियन टोटल इनकम 15 लाख रुपए या ज्यादा की है यह एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सर या बदलाव है जो कि जुड़ा है असेसमेंट ईयर 2021-22 से जो असेसीज एट लार्ज को ध्यान रखना है अब अगली बात सर जो पार्ट पार्टी पूछ रहा है वो कह रहा है डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 हंड्रेड फिफ्टीन एच वॉट इज सेक्शन 115 हंड्रेड एच ये सेक्शन कहता है सर कि आप नॉन रेजिडेंट हैं पर आप रेजिडेंट के रूप में अपने आप को टैक्स कराना चाहते हैं तो नॉन रेजिडेंट के लिए एक स्पेशल चैप्टर है सर इनकम टैक्स लॉ में चैप्टर ट्वेल्व है वन सी टू आई तो अगर एक नॉन रेजिडेंट यहां अपना ऑप्शन चूज करता है तो फिर उसका टैक्सेशन रेजिडेंट की तरह से होगा इसी प्रकार से दोस्तों सेक्शन फाइव ए पुर्तगाली सिविल कोड uh, 1908 के संदर्भ में लागू होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ की इनकम को आपस में बांटा जाता है एक्सेप्ट सैलरी इनकम यदि आपके ऊपर पुर्तगाली सिविल कोड लागू होता है कब लागू होगा जब आप गोवा में रहते हैं और पुर्तगाली लॉ से आप गवर्न होते हैं या आप दमनदीप में रहते हैं या दादर नागर हवेली में रहते हैं तो वहां पर सर ये चीज लागू है पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं है वेदर दिस रिटर्न इज बींग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी यस अगर यस है सर तो आपको क्या क्या डिटेल देनी है अब रिप्रेजेंटेटिव क्या है थोड़ा सा समझिएगा अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके सक्सेसर उनकी ओर से रिटर्न भर रहे हैं तो सच सक्सेसर विल बी ट्रीटेड टू अक्सेटिव एस एसी उनकी डिटेल्स यहां पर जाएगी आगे लॉ या फॉर्म यह बोल रहा है वेदर यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यदि हां तो आपको डायरेक्टरशिप की डिटेल्स आगे देनी पड़ेगी तो दोस्तों डायरेक्टरशिप के केस में आपको नेम ऑफ द कंपनी टाइप ऑफ द कंपनी पैन नंबर किसका कंपनी का पैन नंबर क्या उसके शेयर लिस्टेड हैं अनलिस्टेड हैं और आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है यह इंफॉर्मेशन देना है अगली इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अनलिस्टेड कौन से हैं सर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं पब्लिक लिमिटेड हैं लिस्टेड नहीं है या पहले लिस्टेड थे और अनलिस्टेड हो गए इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर ऐसे कोई शेयर है आपके डीमेट में या फिजिकल फॉर्मेट में तो आपको देनी है क्या कंपनी का नाम है कंपनी का टाइप क्या है कंपनी का पैन आपके पास में इस साल के ओपनिंग में शेयर कितने थे इस साल आपने कितने शेयर और एक्वायर कर लिए एक्वायर यदि किए तो उनका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था आपको कितने में वो शेयर दिए गए परचेस प्राइस है तो वो क्या आपके हाथ में क्या लेवल पर आपने परचेस किया है आपने उसमें से कितने शेयर इस साल ट्रांसफर किए उसका कंसिलेशन क्या आया क्लोजिंग बैलेंस आपके पास में कितना है और आप उसका क्या कॉस्टिंग मानते हैं जितनी कंपनियां आपके पास अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर की होल्डिंग की है आपको सबकी इंफॉर्मेशन यहां पर देनी रिक्वायर्ड है अब मैं बात कर रहा हूं सर यहां पर हेडवाइज शेड्यूल की कि आपको हेडवाइज डिटेल देते चलना है सबसे पहले हेड आएगा सैलरी तो सैलरी में आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम उनका पता उनका सिटी आप गवर्नमेंट एंप्लॉय हैं पीएसयू एंप्लॉयी हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉयर का टेन ठीक है साथ ही स्टेट एम्प्लॉयर का पिन कोड आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है जिसका बाइफर्केशन इन फॉर्म ऑफ सैलरी परक्यूजिट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के रूप में हो सकता है सर परक्यूजिट से यानी आपको कोई सुख सुविधाएं मिल रही हो तो उनकी वैल्यू और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जनरली लीव एंकेशमेंट ठीक है या किसी प्रकार से आपको कोई ग्रैचुटी के बेनिफिट वो सब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आते हैं इस प्रकार दोस्तों आपका ग्रॉस सैलरी डिसाइड होगा ये ग्रॉस सैलरी डिसाइड होने के बाद फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं आपके कुछ अलाउंसेज अगर आप सेक्शन टेन में जैसे एच का एग्जामिशन लेना चाहते हैं तो वो आप मैंशन करेंगे नेट सैलरी कितनी आई स्टैंडर्ड डिडक्शन या मेनली दो डिडक्शन आपको मिलने हैं प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कई स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है वो आप माइनस करेंगे फाइनली आपकी सैलरी की इनकम जो टैक्सेबल होगी वो यहां निकल करके आएगी अब देखिए दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको क्या देनी है और इससे पहले एक बात और जोड़ूंगा अगर आप रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास में पोस्टेड रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक के बाद दो तीन चार एम्प्लॉयर भी फिलअप करने की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत रहेगी दैट यू आर सपोज टू फिलअप इसी प्रकार सर प्रॉपर्टी डिटेल में आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स प्रोवाइडेड यू आर ऑनर इन द प्रॉपर्टी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर जो लोगों को समझनी है हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल हमें तभी देनी है जब हम किसी प्रॉपर्टी में ऑनर अथवा को ऑनर हैं आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल क्या आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो हां या ना जैसे मान लीजिए मैंने मेरी वाइफ के साथ प्रॉपर्टी ले रखी है और अगर मैंने वाइफ के साथ प्रॉपर्टी ली है तो मेरी परसेंटेज ऑनरशिप कितनी है से 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट को ऑनर्स का नाम ठीक है को ऑनर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं उनका पैन या आधार नंबर और उनका रेस्पेक्टिव शेयर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है सेल्फ ऑक्युपाइड है डीम लेट आउट है ठीक है और अगर लेट आउट है तो आपने किस टेनेंट को दी थी सर उनका पैन नंबर क्या है उनका Uh, साथ साथ अगर कोई टेन नंबर उन्होंने टी काटा है तो वो क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है लास्ट में सर यहां पे देखिएगा ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवल उस संपत्ति से अगर वो किराए पर है तो आपको कितना किराया एक साल का मिलेगा या कितना किराया इस साल मिला है वो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड या रिसीवल का फिगर आपको यहां पे लिखना है जो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड या रिसीवल आपने निकाला है सर उसमें से जितना अमाउंट आपको नहीं मिला या जो आपने लोकल अथॉरिटीज को म्युनिसिपल टैक्सेस देने थे उनमें से जो टैक्स पेबल है वो आपके यहाँ माइनस होंगे फाइनली आपकी जो एनुअल वैल्यू निकलेगी सर उसमें से लॉ आपको दो डिडक्शन देता है एक 30 परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों और दूसरा आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा अगर आपका कोई अनरियलाइज रेंट इस साल मिला है तो उसका 30 परसेंट डिडक्ट करने के बाद बाकी का अमाउंट आपका हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के रूप में हाउस प्रॉपर्टी वन का रिफ्लेक्ट होगा जैसे प्रॉपर्टी वन की डिटेल दोस्तों आपने भरी उसी प्रकार से अगर आपकी प्रॉपर्टी टू है थ्री है फोर है उनकी भी डिटेल्स आप इस प्रकार रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जैसा मैंने पहले ही कहा सर कि हाउस प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी नंबर टू थ्री फोर जितनी भी हैं उनकी सारी डिटेल्स जैसे आपने पहली प्रॉपर्टी की डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपको भरनी है एक बात यहाँ पे और जोड़ूंगा सर ये पास थ्रू इनकम कहां से आ गई पास थ्रू इनकम सर स्पेसिफिक में सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन में पैदा होती है जहां पर किसी व्यक्ति ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दिया और उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रेंटल इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम आपके हाथ में उसने पास थ्रू सर्टिफिकेट से दी है तो आप उस पास थ्रू इनकम को यहां पर दिखा सकते हैं सामान्य जनता जनार्दन इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट नहीं करती इसलिए इस विषय पर ज्यादा सोचने का फिक्र करने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों दो नोट हाउस प्रॉपर्टी डिटेल में आपको दिए गए हैं प्लीज इंक्लूड इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन रेफर टू इन एस पी वन एंड पास थ्रू इनकम रेफर टू इन पी टी आई वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर दिस हेड तो से फॉर एग्जाम्पल आपको पास थ्रू इनकम आ रही है तो लॉ कह रहा है कि फॉर्म कह रहा है आपको वो डिटेल वहां पर देनी है साथ ही सर वो ये भी कह रहा है फॉर्म आपको कि फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार नंबर ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर वन नाइंटी यानी तब आपको पैन uh, नंबर नहीं देना जब सामने वाले ने 194 नाइन्टी फोर आई बी में नहीं काटा इसी प्रकार सर फर्निशिंग ऑफ टेन नंबर इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 नाइंटी फोर आई वैसे यह सूचनाएं आपको छब्बीस एस से भी मिल जाएंगी अब दोस्तों अगर आप सबसे बड़ा पोर्शन देखेंगे जो इस आई टी आर फॉर्म टू में है वो है कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन कई प्रकार का हो सकता है इसलिए इन्होंने कई प्रकार के कैपिटल गेन से रिलेटेड फॉर्मेट्स या कैपिटल गेन का प्रोसीजर यहां पर दिया हुआ है और उसे बांटा हुआ है सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट होल्डिंग अ प्रॉपर्टी मोर देन थर्टी सिक्स मंथ इट इज शॉर्ट टर्म यू आर नॉट होल्डिंग लिस्टेड शेयर लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ऑरेंटेड म्यूचुअल फंड बियॉन्ड ट्वेल्व मंथ देन इट इज शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म को आपको अलग क्लासिफाई क्लासिफाई करके देना है लॉन्ग टर्म को अलग क्लासिफाई करके देना है शॉर्ट टर्म केस में आपको सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग या बोथ पर डिटेल देनी है फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हाई उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी ये बात ध्यान रखनी है सर अगर आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर प्रॉपर्टी बेचा है तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 50 सी लागू होती है वो ये कहती है कि अगर आपका एक्चुअल प्राइस से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 परसेंट से ज्यादा वेरिएशन पर है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन फिफ्टी सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना है फर्दर सर आपने जो भी अमाउंट विच एवर इज हायर इसमें से पकड़ी ठीक है उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन विदाउट इंडेक्सेशन मिलेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई ट्रांसफर पर आपके खर्चे हुए ब्रोकरेज वगैरह वो घटाइए फाइनली आपका कैपिटल गेन का अमाउंट निकल करके आएगा आगे मैं एग्जॉमशंस की भी बात करूंगा सर उन पर भी मैं डिस्कशन करता हूं कैपिटल गेन में देखिए सर जब आपने कोई पर्टिकुलर फर्दर आगे अगर प्रॉपर्टी परचेज करी शॉर्ट टर्म में आपने कैसे सेक्शन 54 बी में आपने अगर एग्जाम्शन क्लेम किया है तो लॉ ये कहता है कि साहब हमारे को नेम ऑफ बायर भी दीजिए पैन नंबर ऑफ बायर दीजिए ठीक है क्योंकि आपने बेची है कैपिटल गेन कमाया आया तो सामने वाले ने जिसने खरीदी है उसकी डिटेल्स भी आपके थ्रू डिपार्टमेंट मांग रहा है यहाँ बोला है फर्निशिंग ऑफ पैन आधार नंबर इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर वन आइए और इज कोटेड बाय द बायर इन द डॉक्यूमेंट फर्दर फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर अब मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स से माया है तो सर आपको सेक्शन एक सौ ग्यारह ए में या वन हंड्रेड फिफ्टीन ए डी में भी टैक्सेशन लग सकता है तो ऐसी परिस्थिति में सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन आपकी कॉस्ट आपने कोई फर्दर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से इंटरेस्ट का पेमेंट किया एक्सपेंडिचर वगैरह घटेगा नेट अमाउंट निकल करके आएगा दोस्तों क्योंकि अब डिविडेंड अमाउंट टैक्सेबल होने लग गया वित्त वर्ष दो हजार से तो नाइन्टी फोर सेवन नाइन्टी फोर एट की व्यवस्था लागू नहीं होगी सरकार को इस पोर्शन को हटाना चाहिए था पर यह अभी भी मेंटेन्ड है तो आप इसके प्रति निश्चिंत रहे अब क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में सर कुछ अलग ट्रीटमेंट होते हैं टैक्सेशन के इसलिए नॉन रेजिडेंट को अलग कॉलम दिया गया भरने का अब जब आप यूटिलिटी से भरेंगे और आप वहां रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट पिक करेंगे तो अपने आप आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन अलग भरने को मिलेगा हां अगर कोई मैनुअल एक बार अपनी रिटर्न तैयार कराना चाहता है तो जिस तरीके से या वो समझना चाहता है कि किस फॉर्मेट में कहां पर क्या फिलअप होगा तो मेरी ये सारी डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूं बड़े काम की है फॉर नॉन रेजिडेंट नॉट बींग एफ आई आई फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर कि यदि आप नॉन रेजिडेंट के रूप में प्रॉपर्टी बेचते हैं कोई शेयर्स या डिवेंचर बेचते हैं तो आपको सेक्शन 48 एट फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल होगा दोस्तों और उस परिस्थिति में आपको उसी फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा जिसमें आपने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर शेयर या डिवेंचर बाय किए थे फर्दर सर क्योंकि आपका कैपिटल गेन फॉरेक्स में किया गया है उसको रिकन्वर्ट करके वापस आईएनआर में लेकर के आया जाएगा हालांकि जो टैक्स रेट है वो आपकी टैक्स रेट जो भी आपको बेनिफिशियल हो यानी आपको डीटीए की रेट बेनिफिशियल हो आपको सेक्शन वन हंड्रेड इलेवन ए की रेट टैक्सेबल होने में बेस्ट हो आप उन रेट्स को उठा करके फाइनल अपनी टैक्स लाइविटी कैलकुलेट करेंगे आगे सर यदि आप ऐसे नॉन रेजिडेंट हैं जिसने सेल ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन वन हंड्रेड के नेचर का बेसिकली एज एन एफ अगर आपने कोई पर्टिकुलर एसेट बेची है तो इन द केस सिक्योरिटी सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर ये कोटेड शेयर क्या है सर यानी जो लिस्टेड है और अदर देन कोटेड क्या है दोस्तों जो कि अनलिस्टेड है तो अगर अनलिस्टेड शेयर आपने कोई बेचा है तो अनलिस्टेड शेयर में सर एक अमेंडमेंट आया लॉ में सेक्शन फिफ्टी सी में वो ये बोला कि अनलिस्टेड शेयर की भी वैल्यू निकाली जाएगी इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से अगर आपने उससे कम में बेच दिया तो आपका टैक्सेशन मिनिमम उस फेयर मार्केट वैल्यू पर होगा जो सेक्शन फिफ्टी सी में निकाली जाएगी तो ये एक बात सर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो दोनों पर यह बात इक्वली लागू होती है तो जो भी सर आपका फाइनली सेक्शन 50 सी लागू करने से अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है एक्चुअल सेल प्राइस से वो लेंगे आपकी फर्दर कॉस्ट अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो इंडेक्सेशन घटाने के लिए आपको मिलेगा और नाइन्टी फोर सेवन एट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है इस प्रकार से आपका कैपिटल गेन निकलेगा अगर दोस्तों पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए थ्री के अलावा कोई और एसेट है ठीक है तो उस एसेट के संदर्भ में आप कैपिटल गेन का वर्णन इस पर्टिकुलर पॉइंट फाइव में दे सकते हैं इन केस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर एंटर द फॉलोइंग डेट वही डिटेल सर जैसे मान लीजिए रेजिडेंट व्यक्ति अब की बार बेच रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर अडॉप्टेड एज पर सेक्शन फिफ्टी सी ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन आएगा सर इसी प्रकार से अगर अनकोटेड शेयर्स के अलावा कोई एसेट ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई लैंड है या आपके पास में कोई ज्वेलरी है जो आपने शॉर्ट टर्म बेची है तो उनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिलेशन जिस प्राइस पर आपने बेचा वो निकाला जाएगा फर्दर आपका क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन की बात करें कॉस्ट विदाउट इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन एक्सपेंडिचर रिलेशन टू ट्रांसफर और फाइनली सर आपकी बैलेंस अमाउंट निकल करके आएगी इस प्रकार से आपका ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म का सर यहां पर डिसाइड होगा एक बात और देखिएगा दोस्तों ये अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात की गई है बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन इसके हल्का सा मैं आपको चर्चा करता हूं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने पहले सेक्शन 54 बी में डिडक्शन ले लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर एन एग्जाम्पल और बाद में आपने उन शर्तों की अनुपालना नहीं करी जिनके तहत आपको एग्जाम्शन दी गई तो ऐसी परिस्थिति में पिछला कैपिटल गेन जो आपका एग्जाम था वो अब टैक्सेबल होगा तो उसके संदर्भ में डिटेल्स यहां पर आपसे मांगी गई है सर सेक्शन 115 हंड्रेड फिफ्टीन यूए यूबी में अगर कोई पास थ्रू इनकम आई है आपके पास में किसी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह से तो आपको वो पर्टिकुलर इनकम को भी यहां पर स्टेटवे फिल करते हुए आगे बढ़ना है यदि आप किसी प्रकार से डबल टैक्सेशन में आ रहे हैं बिकॉज आप रेजिडेंट हैं आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो रही है या आपको इंडिया में भी टैक्स हो रहा है उसी पर्टिकुलर एसेट को बेचने से कैपिटल गेन पे और बाहर भी हो रहा है तो आप डबल टैक्सेशन लीव की बात कर सकते हैं सर तो यहां पर यह बोला गया कि अगले पोर्शन में पॉइंट एट में अमाउंट ऑफ एस इंक्लूडेड इन ए वन टू सेवन बट नॉट चार्जेबल टू टैक्स और चार्जेबल एट द स्पेशल रेट या तो आपके ओपिनियन में वो चार्जेबल नहीं है या चार्जेबल तो है पर लोअर रेट पर टैक्सेबल है तो आपसे रिलेवेंट इनकम की डिटेल ठीक है आपने उसे कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया है किस कंट्री में वो इनकम हुई है रिलेवेंट आर्टिकल कौन सा है डीटीए का रेट एज पर ट्रीटी क्या है क्या आपके पास में उस कंट्री का टीआरसी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट है इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन लग रहा है और रेट एज पर इनकम टैक्स क्या है और एप्लीकेबल रेट फाइनली इन दोनों में से कौन सी है जो विचेवर इज फेवरेबल होगी और इस प्रकार से सर आगे बोलता है था टोटल अमाउंट ऑफ एस टी सी जी नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया एज पर डी एंड अमाउंट ऑफ एस टी सी जी चार्जेबल टू टैक्स एज पर स्पेशल रेट ऑफ डी टी ए इस प्रकार सर आपने ये जो फॉरेन कैपिटल गेन का भी अमाउंट यहाँ पर मैंशन किया और ये सारे कैपिटल गेन जो हमने पहले शॉर्ट टर्म कैलकुलेट किए हैं यहाँ आते हुए आपका फाइनल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट निकल करके आएगा दोस्तों जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की चर्चा करी उसी प्रकार से अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर चर्चा करते हैं फर्क केवल यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा सेक्शन 50 सी के प्रावधान रियल एस्टेट के, के केस में चाहे आप शॉर्ट टर्म में सेल कर लें रियल एस्टेट चाहे लॉन्ग टर्म में करें यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर आप बेचेंगे तो आपको मिनिमम टैक्सेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे बाय डिफॉल्ट देना है इसके कुछ एक्सेप्शन है जो आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको बता पाएंगे आपकी कॉस्ट विद इंडेक्सेशन आप लें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन लें आप एक्सपेंडिचर रिलेशन टू ट्रांसफर का डिडक्शन लें अगर आपने कोई एग्जाम्शन ली है तो आप उसके एग्जम्शन की डिटेल्स आगे जो देंगे वो यहाँ आकर के फिलअप होगी इस प्रकार आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रियल एस्टेट यहां पर फिलअप किया जा सकता है दोस्तों जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिटेल्स दी थी बायर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी इमोबल प्रॉपर्टी बेचने पर हमें बायर की डिटेल उनका आधार अगर बायर एक से ज्यादा है तो उनका परसेंटेज शेयर किसने कितना पेमेंट किया एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या था पिन कोड वगैरह देना पड़ेगा ये फॉर्म कह रहा है सर फर्निशिंग ऑफ पैन आधार नंबर इज मैंडेटरी किसका ठीक है जिसने हमसे बाय किया इफ टैक्स इज डिडक्टेड बाय सच पर्सन अंडर वन नाइंटी फोर आइए और इज कोटेड बाय बायर इन द डॉक्यूमेंट एंड इन केस ऑफ मोर देन वन बायर प्लीज इंडिकेट द रिस्पेक्टिव परसेंटेज शेयर एंड अमाउंट ऑल्सो यदि आपने सेल ऑफ बॉन्ड या डिवेंचर किया है तो उनके संदर्भ में स्पेसिफिक डिटेल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पॉइंट नंबर टू में आपसे मांगा गया है एक बात ध्यान रखना है सर बॉन्ड और डिवेंचर्स पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन यहां पर लिखी है अगर आपने कोई एग्जाम्शन क्लेम किया उसके संदर्भ में वो आप लिखेंगे फाइनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बॉन्ड या डिवेंचर यहां कैलकुलेट होके दिखेगा अगर आपने कोई लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है लिस्टेड सिक्योरिटी जो कि अदर देन यूनिट है या जो जीरो कूपन बॉन्ड है ठीक है या किसी परिस्थिति में जी के भी मैटर हो सकते हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है उनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उनका भी यहां पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आप फाइनली करते हुए अगर कोई एग्जाम्शन लेते हैं तो आपको ऑफर करना है ये पॉइंट्स जनता जनार्दन के ज़्यादा काम के लिए हैं नहीं है इसलिए मैं इन पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ऑरेंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एस टी टी इज पेड अंडर सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेल्व ये सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेल्व क्या कहता है एक लाख से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दस परसेंट रेट पर टैक्सेबल होगा तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर वो अमाउंट यहां पर फिलअप होगी ठीक है अगर आपने कोई एग्जाम्शन उस पर ले ली फिफ्टी फोर एफ की तो वो आपकी यहां पर आएगी फाइनली आपका कैपिटल गेन का अमाउंट फिलअप होगा इसी प्रकार दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट ने कोई शेयर या एडवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी बेचे हैं चाहे उसने शॉर्ट टर्म बेचे या लॉन्ग टर्म बेचे उनका कैपिटल गेन सर फॉरेक्स में ही कैलकुलेट होता है ठीक है लेकिन जब आप फॉरेक्स में कैपिटल गेन लेते हैं बॉन्ड एडवेंचर पर तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा सर एग्जाम्शन जरूर मिलेगा और उस प्रकार आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज ए नॉन रेजिडेंट भी यहां पर कैलकुलेट होकर के आएगा अब देखिए दोस्तों अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसको सेल ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः सेक्शन 50 सीए के प्रावधान लागू होंगे तो उनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच अनकोटेड शेयर विच एवर इज हायर विल बी ट्रीटेड टू बी इज कंसिडेशन एंड अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड हालांकि क्योंकि अनकोटेड शेयर है पर है तो शेयर ही ना तो आपको फॉरेक्स में कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिकनवर्टेड इन इंडियन करेंसी ये सर जो आपने अनकोटेड शेयर पर कैपिटल गेन के कैलकुलेशन का तरीका यहां पर फाइनली आपका कैपिटल गेन का फिगर निकल करके आ जाएगा अगर एज अ नॉन रेजिडेंट आपने कैपिटल गेन किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर से या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट से या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से कमाया है तो यहां पर आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन हंड्रेड विद एग्जम्प्शन होके फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट निकलेगा इसी प्रकार से फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज एसेट नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में बेची है तो वहां उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है कोई डिडक्शन वन एफ में मिलता हो ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट बॉन्ड भी हो सकती है सर डिवेंचर्स भी हो सकते हैं या अदर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स वगैरह भी यहां पर हो सकते हैं अगर कोई और लॉन्ग टर्म एसेट है दोस्तों जो कि B1 वन टू बी में मेंशन नहीं थी जैसे फॉर एन एग्जांपल ज्वेलरी ठीक है कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो किसी के पास में पेंटिंग हो तो उस परिस्थिति में सर वो सारी एसेट की डिटेल यहां पर अगर वो शेयर है इन द केस सोल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी तो ये डिटेल्स आ जाएगी ठीक है आपका 48 में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलता है लॉन्ग टर्म के केस में दोस्तों इंडेक्सेशन भी मिलेगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर भी मिलेगा एक्विजिशन पर भी मिलेगा एक्सपेंडिचर क्योंकि ताजा ताजा होता है तो उस पर इंडेक्सेशन की बात नहीं होती आप एग्जॉम्शन क्लेम कर लें फाइनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा आप देखिए दोस्तों यहां पर बात करी है फॉर्म ने अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका कोई अनरियलाइज कैपिटल गेन पहले का था जो आप गिवन पीरियड में नहीं यूज कर पाए तो सर वो कैपिटल गेन अब आपका टैक्सेबल हो जाता है तो उसको फॉर्म ने नाम दिया डीम्ड कैपिटल गेन वो डीम्ड कैपिटल गेन की डिटेल्स आपको इस शेड्यूल में भरते हुए आपको उस कैपिटल गेन पर भी जो भी रिलेवेंट टैक्स लाइबिटी बनती है वो यहां पर देनी है अगर दोस्तों पास थ्रू स्टेटस में सेक्शन 115 हंड्रेड यूए या यूबी में आपको किसी इन्वेस्टमेंट फंड से कोई इनकम आ रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड से इनकम आ रही है या किसी इन्वेस्टमेंट फंड से इनकम आ रही है तो पास थ्रू की जो कैपिटल गेन की इनकम आती है सर वो कैपिटल गेन की इनकम आपको यहां पर अपने फॉर्म में इंक्लूड करते हुए दिखानी पड़ेगी अब डबल टैक्सेशन से रिलेटेड बात हो रही है सर कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपने बी से बी में तो ले लिया लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से वो टैक्सेबल नहीं है या टैक्सेबल तो है इंडिया में पर किसी स्पेशल रेट पर टैक्सेबल है तो जैसे हमने शॉर्ट टर्म गेन के लिए सर सारी डिटेल्स दी थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देते चलना है फाइनली आपका वो कैपिटल गेन जो टैक्सेबल नहीं है या कंसेशन रेट पर टैक्सेबल है वो बात आएगी निकल के और पिछले जो सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने B1 से लेकर के B12 में कैलकुलेट किए वो यहां पर कैलकुलेट होकर के फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट असजी का अब निकल के रिटर्न में दिखने लगेगा तो दोस्तों इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आपने निकाली अब अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किए हैं 54, 54 बी ई सी एफ जी बी या एफ के अंदर तो आपको अब रिलेवेंट सेक्शन वाइज सर डिटेल देते चलना है कि डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट क्या थी ठीक है 54 के केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है नई रेजिडेंशियल हाउस क्या है आपने नई प्रॉपर्टी कब परचेस करी अमाउंट डिपॉजिटेड अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में है तो कितना हुआ अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम आपने कितना किया है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी इसी प्रकार सर सेक्शन 54 बी में या 54 ईसी में भी आप एग्जाम्शन क्लेम करेंगे तो रिलेवेंट डिटेल देते हुए आगे बढ़ते चलना है अब दोस्तों आगे सेक्शन 54 एफ में आप एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं तो 54 एफ में आपने जो ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर करी उसकी क्या डेट थी नई प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी उसकी क्या कॉस्ट है डेट ऑफ परचेस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस क्या है मेरा मानना है सर जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो डेट यहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए यदि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला तो वो डालिए और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम फाइनली कितना है ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ना है फिफ्टी फोर जी सर बहुत कम काम में आने वाला सेक्शन है बिकॉज बेसिकली ये स्टार्टअप प्रमोशन करता है कि अगर आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी कोई संपत्ति बेची रियल एस्टेट और आपने उस पैसे को अब किसी स्टार्टअप में लगाया है तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिफ्टी फोर जी की एग्जाम्शन मिलेगी तो जैसे आपने अन्य एग्जाम्शन की डिटेल दी ये भी फिलअप की जा सकती है सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन एफ दोस्तों लगता है एनआरआईस के ऊपर जहां पर वो एक स्पेसिफाइड एसेट मान लीजिए एक कंपनी का शेयर बेचा और दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो देयर कैपिटल गेन गोज एग्जाम तो ऐसी परिस्थिति में एनआरआई को सर ये पर्टिकुलर डिटेल ऑफ एग्जामेशन यहां पर देने का एक सुनहरा मौका ये फॉर्म दे रहा है कैपिटल गेन की डिटेल्स में ही सर फॉर्म आपसे बोल रहा है सेट ऑफ ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉस विथ करंट ईयर कैपिटल गेन एक थम रूल आपको बताता हूं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप मेरी इस बात का ध्यान में रखते हुए जब इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप फिलअप करेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग सरप्राइज करते हैं कि अरे सर मेरा तो लॉस था और वो गेंद से एडजस्ट ही नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ सर क्योंकि लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के गेंद से एडजस्ट नहीं होता जबकि शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के गेंद से एडजस्ट हो जाता है तो ये जो इंफॉर्मेशन आपकी फिलअप होगी सर वो आपके फाइनल कैपिटल गेन के सेट ऑफ को अलाउ या डिसअलाउ कराएगी तो ये कैपिटल गेन से रिलेटेड लॉसेस की डिटेल सर आपको इन कॉलम्स में फिलअप करती जानी है वैसे ये सब जब आप एक जगह डिटेल देंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप होते चलेंगे ठीक है थोड़े से कलिष्ट लगते हैं लेकिन मुझे लगता है सर कि आई टी टू फॉर्म फाइल करने के लिए वैसे उपयुक्त व्यक्ति आपके चार्टर अकाउंटेंट आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं अगर आप उनकी हेल्प लेके करेंगे तो ये सारी कलिष्टता आपको नहीं आएगी बट एज अ लेमैन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि मैं कोई फॉर्म कैसे भरता हूं इसी दृष्टि से सर मैं इस प्रकार की वीडियो बना करके आपके सामने लेके आता रहता हूं आगे देखिए दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन भी आपको देनी है क्योंकि आपका कैपिटल गेन का क्लासिफिकेशन किया जाएगा और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके एडवांस टैक्स की जो नॉन कंप्लायंस है दो सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस दृष्टि से सर जो रिलेवेंट कैपिटल गेन है चाहे पंद्रह का हो तीस का हो या किसी भी और कैटेगरी में आता हो उसको आपको पीरियड वाइज ब्रेकअप करके यहां पर देना पड़ता है अब देखिए दोस्तों फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी और इंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन मन एंडेड ट्वेले इसके लिए एक स्पेसिफिक चार्ट है क्यों क्योंकि सर एक सौ बारह ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने लगा तो ये टैक्सेशन जब आया सर उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इकतीस जनवरी दो हजार अठारह तक एग्जम्ट होता था तो जब 1 अप्रैल 2018 से वो कैपिटल गेन का टैक्सेशन हुआ तो सरकार ने बोला सब ग्रैंड फादरिंग देंगे इकतीस जनवरी 2018 की जो वैल्यू थी फेयर मार्केट वैल्यू उसको हम एज अ कॉस्ट आपको लेने देंगे अगर वो बेनिफिशियल है तो तो ये सारी डिटेल सर पर शेयर जो आपने लिस्टेड बेची ये आपसे सरकार यहां पर हर स्क्रिप्ट वाइज डिटेल यहां पर मांगती चल रही है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल विच कैन बी फिल्ड बाय दोज आर डीलिंग इन टू शेयर पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म ठीक है देयर बिकॉज सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेल इज एप्लीकेबल हैंस दिस शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट टू सच काइंड ऑफ असेसीज दोस्तों जैसे रेजिडेंट के केस में सेक्शन एक सौ का इंपैक्ट आया वैसे ही नॉन रेजिडेंट के केस में भी सेक्शन एक सौ की डिटेल यहां पर ग्रेजुअली फिलअप की जा सकती है अब देखिए सर मैं आपको लेके चलता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ओर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको डिविडेंड का अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट जिसका बाइफर्केशन सेविंग का इंटरेस्ट एफडी का इंटरेस्ट रिफंड का कोई इंटरेस्ट आपके पास आया हो या किसी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से आपको पास थ्रू के रूप में इंटरेस्ट की इनकम आई हो वो लेनी है अगर आपने किसी पर्टिकुलर मशीनरी प्लांट बिल्डिंग को किराए पर दिया है ठीक है बिल्डिंग क्यों सर बिल्डिंग तो बेसिकली आपके लिए आनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में लेकिन मान लीजिए मैंने किराए पे ली हुई बिल्डिंग आगे किराए पे दी तो अदर सोर्स की इनकम है वो सारी डिटेल सर यहां पर आपको अदर सोर्स की इनकम में फिल करनी है जो आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं सर अदर सोर्स में इसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है गिफ्ट का जो 56 सिक्स सबसेक्शन टू क्लॉस टेन में मैंशन है तो उसमें सर आपको कोई मनी मिली हो पचास से ज्यादा की अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में समस्त व्यक्तियों से जो कि नॉन रिलेटेड है या नॉन स्पेसिफाइड ओकेजन पे वो आपके अमाउंट टैक्सेबल है यहां डालना है अगर आपको कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की विदाउट कंसीडरेशन पचास से ज्यादा की मिली हो वो वैल्यू यहां आएगी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी फ्री में तो नहीं आई हो परंतु प्राइस पेड और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 ये ज्यादा से अधिक पर हो 50,000 से ज्यादा अधिक पर हो तो वो वैल्यू टैक्सेबल होगी इसी प्रकार से सर कोई अदर प्रॉपर्टी जैसे शेयर ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग वगैरह जिनकी एफ का डिफरेंस उनके एक्चुअल प्राइस से पचास से ज्यादा का है या जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आई है साल भर में एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा की तो वो सारी वैल्यू सर आपको यहां पर 56 सिक्स टू 10 में दिखाते हुए आगे टैक्सीबिलिटी के लिए ऑफर करनी है अदर सोर्स इनकम में ही सर अगर कोई फैमिली पेंशन है तो वो आप मेंशन कर दीजिए अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम है जो सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन डबल बी में लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल वगैरह की है क्योंकि उस पर स्टेट वे थर्टी परसेंट टैक्स रेट लगती है वो फिलअप करें अगर किसी के यहां पर सर्वे हुआ है उसने कुछ सरेंडर किया है सिक्सटी एट टू सिक्स नाइनडी वो यहां पर आपको फिलअप करना है फर्दर सर आपके कोई आरपीएफ से विड्रॉल हुए हों सेक्शन 111 में ठीक है तो वो अमाउंट यहां पर आपको फिलअप करना है यदि कोई और इनकम है सर पर्टिकुलरली नॉन रेजिडेंट के केस में स्पेशल रेट की इनकम्स आती हैं 115 ए में 194 एलसी में एलडी में वो आपको एज अ नॉन रेजिडेंट यहां पर फिलअप करते हुए आगे बढ़ते जाना है ठीक है ये सारी डिटेल सर 115 हंड्रेड ए सी ए सी ए ए डी फिफ्टीन डबल बी ए नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट एसोसिएशन ये ज्यादातर नॉन रेजिडेंट से कनेक्टेड है अगर कोई पास थ्रू की इनकम सर आपको आई है वो भी आपको यहां पर बताते चलना है यदि डबल टैक्सेशन अवर्डिनेस एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर पर कोई इनकम आपको हो रही है से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट तो उससे रिलेटेड डिटेल्स जैसे आपने कैपिटल गेन में दी वो यहां पर फिलअप करते हुए आगे बढ़ना है अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर डिडक्शंस जो एक्सपेंसेस के हैं जैसे फैमिली पेंशन के केस में फैमिली पेंशनर को डिडक्शन मिलेगा 57 में वो आपने उधार पर पैसा लेकर शेयर खरीदे डिविडेंड कमाया वो डिविडेंड के अगेंस्ट में ब्याज आपने पैसा उधार पर लेके आगे किसी को ब्याज दिया तो आपका ब्याज का डिडक्शन ये सारे डिडक्शन आपने कोई एसेट फर्दर किराए पर दे दी जबकि आपका मेन पर्पज बिजनेस नहीं है एसेट किराए पर देना तो उसका डेप्रिशिएशन तक आपको यहाँ सेक्शन फिफ्टी में डिडक्शन के लिए मिल सकता है अगर कोई डिडक्शन सेक्शन 58 की वजह से डिडक्टेबल नहीं है उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे सर नेट अमाउंट आपके अदर सोर्स की इनकम की निकल करके आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक अगर कोई व्यक्ति हॉर्स मेंटेनेंस एक्टिविटी में हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करता है ठीक है तो वो तो कैजुअल इनकम है थर्टी पर अगर कोई घुड़दौड़ के लिए घोड़े मेंटेन करता है तो वो घोड़े मेंटेन करने की रिसीट और उसके रिलेवेंट खर्चे यहाँ ऑफर किए जा सकते हैं एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर डिविडेंड इनकम आपको मिल रही है तो डिविडेंड इनकम का क्लासिफिकेशन आपको इस प्रकार से देना है 15 जून तक कितना डिविडेंड मिला 16 जून से सितंबर तक एंड सो ऑन ताकि आपके एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन सही की जा सके फर्दर सर अगर कोई कैजुअल इनकम आपको हुई है लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम वगैरह की तो वो भी इनकम आपको यहां पर स्पेसिफिकली मैंशन करते हुए आगे बढ़ना है इस इनकम पर भी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन जैसे जैसे ये इनकम होगी वैसे वैसे आगे के क्वार्टर में या आगे के एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में की जाएगी एक और इंपॉर्टेंट बात सर प्लीज इंक्लूड इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा रेफर टू इन शेड्यूल एसपीआई तो सर यदि आपके पास में माइनर की या स्पाउस की कोई विशेष इनकम है जिसकी क्लबिंग होनी है जो चाहे इस प्रकार के नेचर की हो जिनका हमने यहां डिस्कशन किया उनको भी आपको यहां पर मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है अब दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं करंट ईयर के लॉसेस का एडजस्टमेंट यानी आपके पास में करंट ईयर में एक हेड में इनकम है दूसरे हेड में लॉस है चैप्टर सिक्स जो इनकम टैक्स एक्ट का है सेक्शन सत्तर से लेकर के अस्सी वो लॉसेस के एडजस्टमेंट की बात करते हैं एक होता है सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट आप विद इन हेड भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप एक हेड में नहीं एडजस्ट कर पाए तो दूसरे हेड में निकल पाएंगे तो वैसे यूटिलिटी अपने आप डिसाइड कर लेती है कि कौन सी इनकम का किससे ऑफसेट किया जा सकता है वो डिटेल्स जो आप फिलअप करेंगे वो इस शेड्यूल में अपने आप आपको फिलअप होकर दिखती जाएंगी अगर दोस्तों आपके पास में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज की भी डिटेल यहां पर फिलअप होंगी और वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में एक फंडा आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में हेड नहीं चेंज होता तो आप जिस हेड का लॉस दिखाएंगे उसी हेड से वो पर्टिकुलर लॉस अगले साल एडजस्ट होकर के मिलेगा आप जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ला रहे हैं दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सरकार को कि कौन से असेसमेंट ईयर के कितने लॉस हैं हाउस प्रॉपर्टी के कितने हैं शॉर्ट टर्म गेन कितना है लॉन्ग टर्म कितना है ताकि सरकार उस डेटा का वेरिफिकेशन करते हुए वे, आपको रिस्पेक्टिव लॉस आगे के लिए अलाउ करेगी चैप्टर सिक्स से के डिडक्शन सर हम यहां पर क्लेम कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना अगर आप नई स्लेबरेट अडॉप्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ चैप्टर सिक्स से डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे लेकिन एक बात और जो यहां पे जुड़ूंगा प्लीज नोट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर एक चार बीस से इकतीस जुलाई 2020 हजार नॉट बी क्लेम्ड अगेन अगर आपने एक चार बीस से इकतीस जुलाई 20 के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑलरेडी असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस में ले लिया है तो उन्हें पुनः आप इक्कीस बाईस असेसमेंट ईयर में न क्लेम करें यह बात आपको ध्यान रखनी है एटीजी के डिडक्शंस पर सर यह कहना चाहता हूं कि एटीजी का डिडक्शन चार पोर्शन में डिवाइडेड होता है ंड्रेड परसेंट डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट कोई लिमिट नहीं है जैसे पीएम रिलीफ फंड में आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो आपको बिना किसी लिमिट पूरा के पूरे अमाउंट का हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा आपको डोनी का नेम उनका पैन डोनेशन इन कैश दो हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है एक पर्टिकुलर रिसीप्ट और अदर मोड का मतलब है चेक से आरटीजीएस से एनईएफटी वगैरह से आपने किया एलिजिबल अमाउंट यहां पर आपका निकलेगा ऐसे ही सर फिफ्टी परसेंट डोनेशन विदाउट क्वालीफाइंग लिमिट निकल के आता है वो एटीजी में लिस्ट है जहां से आप इन संस्थाओं को पकड़ सकते हैं इसी प्रकार से सर 100% परसेंट डोनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ 10% परसेंट ऑफ जी वहां आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है उसी प्रकार से सर 50% का डिडक्शन मिलता है ज्यादातर केसेस में जो संस्थाएं होती हैं जो बारह डबल ए प्लस एटीजी में रजिस्टर्ड होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं सही कैटेगरी के, के अंदर सही हेडिंग के अंदर डिटेल फिलअप करना दोस्तों बहुत जरूरी है एटीजी जी ए डिडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक पूछा गया है सर कि यदि किसी व्यक्ति ने जो कि बिजनेस प्रोविजन में नहीं है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट पर कंट्रीब्यूशन कोई किया है तो उसी प्रकार की डिटेल जैसे एटीजी में मिलती थी वो यहां पर फिलअप की जा सकती है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का सर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता ज्यादातर उन इंडिविजुअल के केस में एच के, के केस में जो आई टी टू भर रहे हैं मैं केवल इतना साइंट देना चाहूंगा कि यदि कोई इंडिविजुअल या एच ने चैप्टर सिक्स से पार्ट डी में कोई पर्टिकुलर डिडक्शन क्लेम किया है पार्ट सी में कोई डिडक्शन क्लेम किया है तो वो डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो टोटल इनकम आती है वो वापस जोड़ी जाती है और फिर वहां पर आपका 18 परसेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा एम का यहाँ पर फॉर्म में 18.5% पॉइंट है मैट की रेट तो साढ़े से अट्ठारह कर दी थी फिर पंद्रह भी कर दी लेकिन शायद एम की रेट अभी आपकी आ, साढ़े अठारह परसेंट ही है तो साढ़े अठारह परसेंट की कैलकुलेशन की जाएगी उसको कंपेयर किया जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट से विच एवर इज हायर दैट विल बी फाइनल लाइबिटी पेबल बाय द दी फर्दर सर अगर कोई एएमटी क्रेडिट भी आपके पास में पड़ी है तो ये शेड्यूल अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट का यहां पर फिलअप करते हुए आपको अगर एएमटी क्रेडिट आप क्लेम करने के हकदार हैं तो आप उसका डिडक्शन uh, यहां पर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं यहां देखिए दोस्तों इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन लाइक स्पाउस माइनर चाइल्ड इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द एस एससी अंडर सेक्शन सिक्सटी फोर आपसे स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों के नाम उनके पैन उनके साथ में आपका रिलेशनशिप कितना अमाउंट है और कौन से हेड में आपने रिस्पेक्टिव इनकम को ऑफर किया है वो यहां पर बताते हुए आपको चलने की अपेक्षा ये फॉर्म करता है अगला शेड्यूल है दोस्तों स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स पर कि आपकी जो रिस्पेक्टिव इनकम है वो स्पेशल रेट की कौन सी है बेसिकली जब आप एक्सएमएल में या ऑनलाइन ऑफलाइन यूटिलिटी में इनकम को स्पेसिफिक कैटेगरी में बताएंगे तो ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली उस इनकम को पकड़ते हुए टिक करेगा और वहां की जो रिस्पेक्टिव टैक्स रेट है ये टैक्स रेट सर आपकी फाइनल टैक्स कैलकुलेशन में काम आएगी तो उस दृष्टि से सर ये टिकिंग इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन भी सर स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स का है बहुत सारे सेक्शंस में सर इनकम टैक्स में स्पेशल रेट्स पड़ी हैं लेमैन के केस में अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन वन हंड्रेड इलेवन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पंद्रह परसेंट सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेल्व लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेल्व लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्टेड टू एसटीटी इन द केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड टेन परसेंट उनको बढ़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं ये आगे भी सर आपके सामने वही स्पेशल रेट्स के टैक्सेशन के सेक्शंस अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव रेट्स दिखाई दे रहे हैं अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर एग्जम्ट इनकम की डिटेल्स देना एग्जम्ट इनकम में सर आपके पास में इंटरेस्ट इनकम जैसे एनआरआई का इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्शन आप ले रहे हैं तो लॉ ये बोल रहा है जी पांच हजार से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम आने पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा फॉर्म टू भरना वहां आपसे पूछा जा रहा है ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसीट कितनी थी और आपने एग्रीकल्चर पे खर्च कितना कर दिया और अगर आपका कोई एग्रीकल्चर का पिछले आठ सालों का लॉस है वैसे तो एग्रीकल्चर में आठ साल के लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है पर आपसे आठ साल पूछा गया आप वो बता दीजिए ठीक है मेरे हिसाब से उससे ज्यादा भी क्लेम कर सकते हैं नेट एग्रीकल्चर इनकम बताते हुए आपको आगे बढ़ना है अब अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम पांच लाख से ज्यादा की है तो आपको और क्या देना है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद द पिन कोड इन विच एग्रीकल्चर लैंड इज लोकेटेड मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन एकस वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन और हेल्ड ऑन लीज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपने अगर बाट पर खेती कर रहे हैं किसी से किराए पर ले रखा है जमीन और वहाँ खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एग्जाम्शन का बेनिफिट मिलेगा और डिटेल देनी है वेदर एग्रीकल्चर लैंड इज इरीगेटेड और रेनफेड ये इन्फॉर्मेशन देनी है अदर एग्जाम्ट इनकम जैसे माइनर के केस में पंद्रह तक की इनकम एग्जाम्ट होती है वो आप डाल दें ऐसी इनकम जिसको आप मानते हैं डीटीए के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है वहां आप रिलेवेंट डीटीए के संदर्भ में आप डिटेल दीजिए एंड अगर कोई आपको पास थ्रू इनकम भी एग्जाम्ट मिलती है तो वो भी डिटेल यहां देते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों ये शेड्यूल है पास थ्रू इनकम डिटेल्स का ज्यादातर एसएससीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से नॉन रेजिडेंट या एच अगर 115 हंड्रेड यू या यूबी के नेचर के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें रेलेवेंट फंड से कुछ पास थ्रू इनकम मिलती है जो हाउस प्रॉपर्टी में भी आ सकती है कैपिटल गेन में भी आ सकती है अदर सोर्स में भी आ सकती है या एग्जाम भी हो सकती है वो डिटेल बढ़ते हुए दोस्त वो उनको आगे बढ़ना है ये सारी डिटेल्स सर पास थ्रू इनकम से रिलेटेड है जो उन्हें भरते हुए चलना है अब देखिए सर फॉरेन इनकम की डिटेल्स जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं रेजिडेंट हूं मेरी विदेश में कुछ आय हुई अब वो आय मेरे लिए सैलरी भी हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है कैपिटल गेन भी हो सकती है अदर सोर्स भी हो सकती है तो मेरे को रिस्पेक्टिव कंट्री की इनकम देते चलना है विद रिस्पेक्टिव टैक्स आइडेंटिफिकेशन कोड इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी है बाहर हमने कितना टैक्स उस इनकम पे दे दिया ठीक है इंडिया में हमें उस इनकम पर कितना टैक्स देना है कितना रिलीफ हम क्लेम कर पाएंगे विच एवर इज लेस होता है सर कि इंडियन टैक्स या फॉरेन टैक्स विच एवर इज लेस और जो रिलेवेंट डीटीए का आर्टिकल है वो आर्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें यहां बढ़ते हुए आगे बढ़ना है उसी प्रकार से दोस्तों समरी ऑफ टैक्स लीफ क्लेम टैक्सेज पेड आउटसाइड इंडिया हमने विदेश में जो टैक्स दिया है उसकी रिलीफ हम कितना क्लेम कर रहे हैं कंट्री कोड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया टोटल टैक्स रिलीफ अवेलेबल एंड रिलीफ क्लेम अंडर सेक्शन नाइनटीन नाइनटी एंड नाइन्टी ये भरते हुए दोस्तों हमें आगे बढ़ते चलना है डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड ओवरसीज इनकम अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग सर ये कब लागू होती है जब आप विदेश में कोई एसेट होल्ड करते हैं और आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो ऐसी परिस्थिति में फॉरेन एसेट एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया उनकी डिटेल देनी है डिटेल ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स हेल्ड ठीक है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो डिटेल आपको यहां पर देनी है डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डैट इंटरेस्ट हेल्ड एनी एंटिटी एट एनी टाइम बहुत सारे लोग सर आज की डेट में मैं सुनता हूं विदेशों में शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं बेच रहे हैं उनको भी सर ये डिटेल देनी है मैं डराना नहीं चाहता लेकिन ये डिटेल सरकार मांग रही अगर आप नहीं देंगे और कल ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास आएगी तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू इन फ्यूचर डिटेल्स ऑफ फॉरिन कैश वैल्यू इंश्योरेंस अगर कोई विदेश में इंश्योरेंस है या कोई एनुअर्टी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी डिटेल सर आपको यहां पर देते हुए आगे बढ़ना है डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी हेल्थ ठीक है इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एन एट एनी टाइम डूइंग द रिलेवेंट फिनेंशियल ईयर अगर आप किसी विदेशी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कुड बी अ लार्जर थिंग ठीक है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मे बी शेयर्स ठीक है तो ये सारी चीजें सर आपको फॉरेन एसेट्स के संदर्भ में डिटेल देते हुए अपने रिटर्न के फॉर्म को भरना है आप देखिए सर ये डिटेल अभी तक खत्म नहीं हुई डिटेल्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी हेल्ड इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट एनी टाइम ड्यूरिंग द इलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड आपको आपकी रियल एस्टेट जो आपने इंडिया से बाहर होल्ड करी उसकी भी डिटेल देनी है डिटेल ऑफ फॉरिन एसेट एंड ओवरसीज में और क्या देना है डिटेल ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट हेल्ड इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट एनी टाइम ड्यूरिंग द इलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड वो सारी डिटेल देते हुए सर यानी सरकार ये कह रही है आपने स्विस बैंक अकाउंट खोला है कोई भी अकाउंट खोला है हमें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए डिटेल ऑफ अकाउंट इन विच यू हैव साइनिंग अथॉरिटी हेल्ड इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट एनी टाइम द दिलवेंट अकाउंटिंग पीरियड नॉट बीन इंक्लूडेड इन डी ठीक है अगर आपके पास में में किसी विदेशी खाते साइनिंग अथॉरिटी है उसकी डिटेल भी सर आपको यहां देते हुए आगे बढ़ना है और देखिए सर डिटेल ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया इन विच यू आर अ ट्रस्टी बेनिफिशरी और सेटलर आपके बेनिफिट के लिए या आपने किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए बनाया या आप किसी ऐसे ट्रस्ट में विदेशी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं उसकी डिटेल भी आपको दोस्तों देनी है फर्दर डिटेल ऑफ एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आइटम ए टू एफ अब और इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन अगर विदेश में आपकी बिजनेस की आय है वो भी आपको यहां देना है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों ज्यादातर असर को यह इंफॉर्मेशन लागू नहीं है लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है या जो रेजिडेंट है जिनके विदेशों में स्रोत हैं उनके संदर्भ में यह सूचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैंने सेक्शन फाइव ए पर चर्चा करी थी सर आपसे अगर किसी ने पुर्तगाली सिविल कोर्ट का बेनिफिट कोई ले रहे हैं स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ तो उनकी इनकम सर बेसिकली आधी आधी बढ़ती है हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स की तो उस केस में वो यह शेड्यूल भरेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है सर उन अससीज के लिए जिनकी इनकम पचास लाख से ज्यादा है दे कीप ऑन आस्किंग में बढ़िया जी ये डिटेल कैसे भरनी है तो मैं जरा आइडिया दे रहा हूं डिटेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आपके नाम में चाहे ज्वाइंट में या अकेले नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है सर उनकी डिटेल दीजिए उनका एड्रेस दीजिए और अमाउंट बड़े ध्यान से देखिएगा सर कॉस्ट आपको कॉस्टिंग बतानी है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बतानी ऐसे इमोवल एसेट में आपके पास में कार हो सकती है ज्वेलरी हो सकती है आप उनकी कॉस्ट बताने के लिए लाइबल है ज्वेलरी तो स्पेसिफिकली लिखी है सर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग व्हीकल्स याच बोट एयरक्राफ्ट ऐसे ही फाइनेंशियल एसेट आपके बैंक्स के बैलेंसेस शेयर सिक्योरिटीज इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप कितने पैसे दे चुके हैं ठीक है या यूलिप बेस्ड है तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है लोन एडवांसेज आपने किसी को दिए हैं कैश इन हैंड आपके हाथ में कितना है फर्दर सर इन एसेट के संदर्भ में आपकी लाइबिलिटीज कितनी है वो सब आप यहां पर मैंशन करते हुए बढ़ेंगे आगे देखिए सर अब हम पहुंच गए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर कि आपने पीछे जो शेड्यूल भरे हैं हेड्स के सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन ये सब अपने आप फिलअप होकर के यहां पर आपको फिगर दिखने लग जाएंगे आप जब वो डिटेल शेड्यूल भरेंगे तो यहां पर आपको फिगर दिखने लगेंगे अदर सोर्स का शेड्यूल आपने भरा दोस्तों ठीक है टोटल आपकी एडवाइज इनकम निकली जिसे हमने ग्रॉस इनकम बोला एक बार के लिए इसमें से लॉसेस करंट ईयर के सेट ऑफ हो गए क्रेडिट फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ हो गए ठीक है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर सेट ऑफ हो गए जीटीआई निकली सर इसमें से आपका ठीक है स्पेशल रेट की इनकम अलग से लिख दी जाएगी बाकी पे आपको डिडक्शन मिल जाएंगे और यहां आपकी टोटल इनकम निकल करके आएगी ठीक है? अब सर आगे है इनकम विच इज इंक्लूडेड इन पॉइंट ट्वेल्व एंड चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है वो लाएंगे एग्रीगेट इनकम कितनी है कैरिड फॉरवर्ड के लॉसेस करंट ईयर जो यहां से आप आगे लेकर के जा रहे हैं अगर आपकी कोई डीम्ड इनकम है वन हंड्रेड फिफ्टीन जे में यानी एएमटी में तो वो इनकम का भी फिगर यहां निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स वन यू आर वंस यूर टोटल इनकम इज कंप्यूटेड देन यू आर रेडी टू कंप्यूट यूर टैक्स लाइबिटी टैक्स लाइबिटी विल बी कंप्यूटेड आइदर एज पर द एएमटी क्रेडिट ज्यादातर केसेज में सर यह एप्लीकेबल नहीं होती नॉर्मली यही अमाउंट निकल करके आएगा कि टोटल इनकम पर आपकी टैक्स लाइबिटी निकलेगी एग्रीकल्चर इनकम की रिबेट मिलती है दोस्तों वो आपको जरूर लेनी है अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम ऑफर करी है अगर आपकी टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा नहीं हो रही तो आपको एट्टी ए की रिबेट मिलेगी वो भी आप लेंगे सरचार्ज सर निकल करके आएगा वो सरचार्ज की कैलकुलेशन होगी यहां पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सरचार्ज लगता है वो आपको ध्यान रखना है टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी इस ग्रॉस टैक्स पेबल में से सर अगर कोई आ, आपको ई वगैरह का डेफर टैक्सेशन का बेनिफिट है तो वो यहां पर घटाने के लिए आपको मिलेगा ठीक है कोई ईएमटी क्रेडिट है वो एडजस्ट करने के लिए मिलेगी फाइनल टैक्स लाइबिटी जो आएगी उसमें एटी का रिलीफ नाइनटी नाइनटी डबल टैक्सेशन के लीफ घटेंगे और यह आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी निकल करके आएगी अब इस नेट टैक्स लाइबिलिटी में से आपका बेसिकली एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस सेल्फ अजस्टमेंट टैक्स वगैरह घट के दोस्तों 234 ABC एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और ये जो एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी आएगी इसके बेसिस पर आपका अमाउंट टैक्सेबल या अमाउंट रिफंड ड्यू टू यू कैलकुलेट हो जाएगा अब दोस्तों बैंक डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि सरकार कह रही है कि साहब आपको बैंक डिटेल्स के लिए amount, अपने रिलेवेंट बैंक का आई कोड नेम ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर और इंडिकेट द अकाउंट इन विच यू वुड प्रिफर टू गेट द रिफंड वो आपको मेंशन करना है अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर देनी चाहिए ठीक है अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं सर ठीक है एंड यू आर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड तो आपको अपने स्विफ्ट कोड की डिटेल नेम ऑफ द बैंक ठीक है कंट्री ऑफ लोकेशन वगैरह भी देते हुए आगे बढ़ना है ऐसे ही सर ऐसे नॉन रेजिडेंट जो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर रहे हैं लेकिन नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया तो उनको सर स्विफ्ट कोड नेम ऑफ द बैंक कंट्री लोकेशन आई नंबर यहां पर देते हुए आगे बढ़ना है डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड बेनिफिशियल ऑनर बेनिफिशरी अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग साइनिंग अथॉरिटी ये सब आपको क्लिक करना है और अगर आपने यहां क्लिक किया है सर तो रिलेवेंट शेड्यूल जो शेड्यूल एफ था वो फिलअप करते हुए आप आए होंगे टैक्स पेमेंट की डिटेल देखिए दोस्तों जो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट आपने पे किया है वैसे तो ऑटो फील्ड में ये चीजें दिखनी चाहिए लेकिन सेल्फ असेसमेंट क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ही करते हैं तो यहां उसका बी कोड डेट ऑफ डिपॉजिट सीरियल नंबर चालान एंड अमाउंट आपको मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है इसी प्रकार से दोस्तों अगर टीडीएस आपका कटा है सैलरी का तो यहां एम्प्लॉयर की डिटेल नेम ऑफ एम्प्लॉयर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टोटल टैक्स डिडक्टेड आप फिलअप करेंगे ऐसे ही सर अगर आपका फॉर्म सोलह ए यानी अदर देन सैलरी टीडीएस हुआ है तो उस टीडीएस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ अदर पर्सन स्पाउस पैन आधार नंबर ऑफ अदर पर्सन ठीक है टेन ऑफ द डिडक्टर पैन आधार नंबर ऑफ द टेनेंट या बायर ठीक है अनक्लेम्ड टीडीएस डीएस ब्रॉड फॉर्वर्ड पिछले साल की कोई अनक्लेम टीडीएस क्रेडिट आप इस साल ले आए हो टीडीएस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर डिडक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस क्रेडिट बींग क्लेम दिस ईयर ठीक है ओनली इन कॉरिस्पॉन्डिंग इनकम बिंग ऑफर्ड आपने वो इनकम जो इस साल ऑफर करी है केवल उसी से रिलेटेड टीडीएस क्रेडिट क्लेम करनी है बहुत सारे लोग यहां मिसमैच करते हैं सर तो बाद में डिफेक्टिव रिटर्न के इंटीमेशन आते हैं बहुत ध्यान से सर आपको ये टीडीएस शेड्यूल करते हुए आगे बढ़ना है इसी प्रकार से सर अगर कोई टीसीएस आपसे कलेक्ट हुआ है तो टीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स आप यहां पर फिलअप कर सकते हैं फाइनली दोस्तों आई का वेरिफिकेशन आपको करना है प्रैक्टिकली ये वेरिफिकेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आजकल आई टी आर ई वेरीफाइड हो जाती है तो इसका भी अपने आप में वेरिफिकेशन कर दिया गया मान लिया जाता है हाँ अगर आ, कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर से भर रहा है तो वहां पर डिजिटली साइन अपने आप ये रिटर्न हो जाए दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत लंबी वीडियो थी ये नंबर सेशन था क्योंकि आई टी अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्म है लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में ही सही भागते हुए आपको एक बार सारे जो प्रोसीजर्स हैं या जो सारे पॉइंट्स हैं वो बताने की कोशिश करी फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिखें मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद